हाय एवरीवन दिस इज वेरोनिका आज का टॉपिक है हमारा एलिफेंट्स पे चाइना में फिफ्टीन एलिफेंट्स का ग्रुप है जो कि बहुत ही लंबे रास्ते पर निकला पड़ा है और किसी को मालूम नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं तो इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील क्या चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूज़ आप देख सकते हैं फिफ्टीन चाइनीज एलिफेंट्स आर ऑन अ लॉन्ग मार्च नॉर्थ वाई नो वन नोस यानी किसी को मालूम नहीं है ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड माइल्स का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है थ्री हंड्रेड माइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं सर्दर्न चाइना में और ये लॉन्गेस्ट मूवमेंट है जो चाइना इस देश में रिकॉर्ड की गई है कि इतने लंबे रास्ते पर एलिफेंट्स माइग्रेट करके चले जा रहे हैं तो रिसर्चर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है तो ये पूरा किस्सा देखते हैं क्या है सिंस मार्च 2020 एक फैमिली जो है वाइल्ड एलिफेंट्स की साउथ वेस्ट चाइना में वो 300 माइल्स से भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रही है फील्ड से होते हुए हाईवे से होते हुए विलेजेस टाउन सिटीज हर जगह से होते हुए क्योंकि रास्ते में कोई भी जगह आएगी जरूरी नहीं है कि वो कोई जंगल ही हो तो टाउन्स भी आ रहे हैं सिटीज़ भी आ रहे हैं अब ये एलिफेंट्स जहाँ से भी गुजरते हैं तो क्रॉप्स होते हैं वहां पे ये उन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उन उनपे खा रहे हैं फीड कर रहे हैं कोटेयार्ड में विलेजेस के कोटे में घुसे जा रहे हैं और वहां जाके फूड जो है वो चुरा के खा रहे हैं जो एक फिर ये कार डीलरशिप थी वहां पे बीच में घुस गए बकेट्स ऑफ वाटर थे वहां पे पड़े हुए बहुत ज्यादा पानी पड़ा था वो पूरा पानी पी गए मडी फुटप्रिंट्स यानी काइंड kind ऑफ of तबाही इन्होंने मचाई है अगर ये किसी विलेज या टाउन से निकल रहे हैं और इस हर्ड को लेबल किया गया है द नॉर्थ बाउंड वाइल्ड एलिफेंट ईटिंग एंड वॉकिंग टूअर ओके okay, तो ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग है ये और अलग अलग जगह आपको अलग अलग ट्वीट्स नजर आएंगी एक और इंसिडेंट में यंग एलिफेंट ने विलेजर्स के जो स्टोर है कॉर्न लिख के वहां पे रेड कर दिया वहां चले गए तो अल्टीमेटली काफी लोग भी इनसे परेशान हो रहे हैं जहाँ पे ये विलेजर्स पे अटैक और इसका खतरा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट ह्यूमन कंफ्लिक्ट होता हुआ भी हमको नजर आ सकता है लेकिन जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं वो उसका ध्यान रख रही हैं और देखिए वैसे एशियन एलिफेंट्स माइग्रेट करते हैं लेकिन इतना लंबा रास्ता नहीं पकड़ते यूजुअली फूड की सर्च में माइग्रेट करते हैं मोस्टली या फेवरेबल क्लाइमेट की सर्च में माइग्रेट करेंगे बट इस केस में समझ नहीं आ रहा बिकॉज 300 हंड्रेड माइल्स इज अ ग्रेट डिस्टेंस अब देखिए लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे जो वहाँ का एक नेशनल ना, नेचर रिजर्व है चाइना में स्प्रिंग लास्ट ईयर चाइना के सर्दन वेस्ट बॉर्डर विद लाउस के साथ में एलिफेंट्स जो है यहाँ से निकले इन्होंने यहाँ से शुरू किया और अपना जर्नी जो है वो शुरू कर दिया जहां पे ग्रेन्स पड़े हुए थे लेफ्ट ओवर उनको खा गए और जो ट्रक लोड्स थे कॉर्न के पाइन के लेफ्ट आउट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा क्योंकि ये गवर्नमेंट इसलिए अथॉरिटी ट्राई कर रही थी इनको कॉर्न लेफ्ट आउट पाइन एपल देके कॉर्न दे के ताकि इनको पॉपुलेटेड एरिया से हटा सके और ये अनपॉपुलेटेड एरियाज की तरफ जाए लेकिन उसका कुछ खास असर इस पे नहीं पड़ा अब जो इनकी आज तक की जो मूवमेंट है एलिफेंट्स की चाइना में एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सबसे लंबी मूवमेंट है जो मूवी है आपकी नोमैड लैंड उसका भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है तो ऐसा लगता है कि उस मूवी की याद आती है एलिफेंट्स की स्टोरी सुन के ऐसा यहाँ पे राइटर ने लिखा है एनीवे anyway, वे अगर आप देखेंगे लोकल ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि 1.1 मिलियन डॉलर्स का डैमेज जो है अभी तक ये कर चुके हैं और डेफिनेटली रिसर्चर्स को कोई आइडिया नहीं है ये क्यों हो रहा है तो देखिए बीजिंग का मैप है यहाँ पे इस प्रोविंस में सर्दर्न प्रोविंस में यहाँ पे ये मूवमेंट देखी जा रही है जब हम इसको जूम करते हैं तो क़नमिंग जो एरिया है लियास के लाउस के साथ इसकी बाउंड्री लगती है यहाँ से इनका ये मार्च जो है वो पूरा शुरू हुआ है और ये अभी तक चल ही रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं तो इस बायोसिफेयर रिजर्व के बारे में आप चाइना के जान सकते हैं ये उसी की वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट शॉट लिया उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एथेनिसिटीज़ के लोग भी रहते हैं और यहाँ पे जोग्रफ़िकली सब रिज़र्व जो हैं डिसकनेक्टेड है बट बहुत सारा बायोडावर्सिटी इस रिज़र्व में है कि बहुत सारे डिफरेंट फ्लोरा एंड फाउना यहाँ पे पाए जाते हैं अब एलिफेंट्स को लेकर जितने भी कंजर्वेशन एफ़र्ट्स हैं चाइना में इनकी पॉपुलेशन चाइना में इंक्रीज हुई है अच्छे एफर्ट्स रहे हैं जैसे कुछ साल पहले सिर्फ टू हंड्रेड एलिफेंट्स चाइना में रह गए थे और आज 300 हैं तो लोगों को जो अथॉरिटीज़ हैं स्पेशली एलिफेंट कंजर्वेशनिस्ट उनको ये भी डर लग रहा है ये जो एलिफेंट्स जिस तरह से यहाँ पे चल पड़े हैं लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है लोग इनको हार्म ना करें क्योंकि उन्होंने इनकी आ, पॉपुलेशन इंक्रीज करने की बहुत कोशिश की है कंजर्वेशनिस्ट ने जो भी काम पिछले कुछ सालों से चल रहा है और दूसरा ह्यूमंस के प्रॉक्सिमिटी इनकी इंक्रीज हो रही है और देखिए कहीं ना कहीं एलिफेंट्स ऐसा है अदरवाइज तो उनको खाने के लिए जंगल में बहुत ज़्यादा फूड हंटिंग जो है वो करनी पड़ती है लेकिन अब उनको समझ आ रहा है ओके यहाँ पे ह्यूमंस के फार्म फार्म्स हैं जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं यहाँ से तो उनको डायरेक्टली बहुत इजीली खाना मिल जाएगा वो भी टेस्टी खाना तो उसके चक्कर में भी शायद ये चलते जा रहे हैं ये सिर्फ सस्पेशन है लेकिन हम अभी बता नहीं सकते कि किस रीजन की वजह से इतना लंबा मार्च इतने बड़े रूट पे ये माइग्रेशन रूट पे एलिफेंट्स वहां से चले हैं ओके बिकॉज दे हैव ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया दे डिस्कवर दैट वर मोर अपीलिंग यूजुअल फॉरेस्ट फेयर उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखा गया एलिफेंट्स हर उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पे पहले वो कभी थे लेकिन बाद में वहाँ से मूव आउट कर गए दूसरी जगह चले गए या एबसेंट थे काफ़ी समय से लेकिन अब वो हर उस जगह को फिर से विजिट करें जो उनके कभी यूजुअल हैबिटेट्स हुआ करते थे इंडिया में भी 2000 में ऐसे ही कुछ एलिफेंट्स जो हैं ऑफ जो हैं वो ह्यूमन इनहेबिटेड रिवर आइलैंड के आसपास थे आज भी वहाँ पे हैं होमलेस हर्ड यानी उनका कोई घर नहीं है यूजुअली क्या होता है किसी जंगल या किसी एरिया में किसी रिजर्व में ये बाउंडेड होते हैं उसी एरिया के आसपास घूमते हैं लेकिन कई बार इन जहाँ पे ह्यूमन्स रहते हैं उस एरिया में ये चले जाते हैं अब जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं एक अहिंसा कैंपोस के उनका मानना है जो एलिफेंट्स में इनका स्पेशलाइजेशन है कि एलिफेंट्स और टाइगर्स को बचाने की चाइना में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं लेकिन उनके पास इतना बड़ा कोई एरिया नहीं है जो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में फैला हो जहाँ पे एलिफेंट्स और टाइगर्स को हम एक कंजर्वेशन के तौर पे किसी जगह पे छोड़ सकते हैं अब अप्रैल में जो एलिफेंट्स हैं वो एक यून काउंटी है टू थर्टी माइल्स नॉर्थ ऑफ नेचर रिजर्व जिस नेचर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं वहां पे ये स्पॉट किए गए थे पहली बार और फिर ये हर्ड अब इनको कि like तो तो फनी तरीके से देखें एलिफेंट के ग्रुप का एक लीडर रहता है राइट जो उनको लीड करता है बाकी के पूरे ग्रुप को शायद वो एक इनएक्सपीरियंस लीडर है उसको लग रहा है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है लेकिन वो सही रास्ते पर नहीं जा रहा ऐसा भी हो सकता तो कोई भी राइट right आंसर इसका नहीं है अभी तक किसी के पास क्लैरिटी नहीं है कि ये क्यों हो रहा है अब देखिए यहाँ से कुछ कंक्लूजन हम जनरली निकाल सकते हैं क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है दूसरा चाहे चाइना कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है एलिफेंट्स को बट डिफॉरिस्ट्रेशन वहाँ पे भी बहुत जोरों से हो रही है क्लाइमेट चेंज डिफॉरिस्ट्रेशन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स उसका ये सब रीजन जो है वो हो सकता है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा फ्यूचर में ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट ह्यूमन्स की जान भी जा सकती है फिर वो एलिफेंट्स पे अटैक करेंगे तो जितने भी एफर्ट्स हैं फिर वो हमारे बेकार जाते हैं तो इसको हम इस एंगल से देख सकते हैं एलिफेंट्स uh, की टाइप्स हैं बट यूजली आपके एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स रहते हैं एशियन एलिफेंट की पिक्चर्स आप देख सकते हैं किस तरह से आप उसको uh, uh, देख पहचान सकते हैं हेड पे दो डोम्स रहते हैं बैक राउंडेड रहती है और इसकी हाइट सेवन टू ट्वेल्व फीट तक एशियन एलिफेंट की जाती है इसका साइंटिफिक नेम है एलिफास मैक्सिमस ओके और ये क्वेश्चन आपके लिए इंडियन एलिफेंट्स को देखते हुए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल क्या उनका लीडर फीमेल रहती हैं मैक्सिमम जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काविंग टिल द एज ऑफ 40 इयर्स ओनली फोर्थ स्टेटमेंट है अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला तो बताइए कौन सा ऑप्शन है ये इसको मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी इंस्टाग्राम पर कई बार लेट हो जाता है बट टेलीग्राम पर आपको रेगुलर अपडेट जो है वो इसका मिल जाएगा तो यही था आज का डिस्कशन आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेस की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच